मालविका आओ बेटा। आ गया तुम्हारा घर, ले आओ। अरे सुनीता भाभी चलिए, कहाँ रह गए और कितनी शादियां करवाओगे? सुनीता भाभी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ। लाखों में एक बहू ढूंढकर जो दी है मुझे। अजीब से रोने की आवाज कैसी? भाभी जी एक काम कीजिए, गृह प्रवेश की तैयारी कीजिए, मैं देख कर आता हूँ कौन रो रहा है। मैं आई। अच्छा चलो चलो, गृह प्रवेश में देर हो जाएगी, चलो। जया जया जल्दी करो, अरे दुल्हन का गृह प्रवेश कराओ ना जल्दी। बस आई भाभी, वो थाल तैयार नहीं थी ना। मैं घर के चारों तरफ देख कर आ रहा हूँ, मगर मुझे कोई भी बच्चा रोते हुए नहीं दिखाई दिया। पर फिर भी ये रोने की आवाज कैसे? सुनीता भाभी जाने दो। बेटा अब आलते में पांव रखकर अपने नए जीवन की शुरुआत कर। एक साल से मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम शादी के बाद इतनी चेंज हो जाओगी, इतनी ट्रेडिशनल हो जाओगी। मैं घूम गई, हाथों में चूड़ियां, पैरों में आलता, हूं बैठ। Thank you.
कौन हो तुम? क्या हुआ जय? वहां कुछ भी नहीं है। चलो उठो तुम, आ जाओ आ जाओ, तुम बस सिर्फ थक गए हो, आ जाओ लेट जाओ। या? कुछ भी नहीं है जय, कम का? अरे मालविका, इतनी रात गए तुम ऊपर क्या कर रही? जाओ नीचे जाकर सो जाओ। मालविका, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मालविका, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मालविका नहीं, चुटकी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। नहीं किया, मुझे माफ कर दो। मुझे कोई नहीं पहचानता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। काफी तुमने मुझे पहचान लिया सुनीता काली? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। ठीक है, मुझे कोई नहीं पहचानता। क्यों मुझे कोई नहीं पहचानता? Thank you.
सुनो जी, सुनीता भाभी कहीं नहीं दिखाई दे रही। सुबह से ढूंढ रही हूँ, छत पर भी देख आई हूँ। तो भाई फोन करके पूछ लो कहाँ चली गई है। सुबह से कितनी बार फोन कर चुकी हूँ, फोन भी नहीं लग रहा। देखो जय, सुनीता भाभी को तो तुम जानती हो, हड़बड़ा कर कहीं चली गई होंगी और बताना भूल गई होंगी। और हो सकता है कि रास्ते में कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ फोन का सिग्नल ना हो, इसलिए तुम्हारा फोन लग नहीं रहा। तुम बेकार में परेशान हो। पर ये बात ठीक नहीं है। हाँ बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग। कंगन तुम्हारे पास कहाँ से आए? ये तो मेरे बचपन के हैं, मेरी माँ ने मुझे दिए थे। भूल गई क्या? ऐसे क्या देख रही हो? पहचाना नहीं मुझे? अरे तुम सास बहू अपनी बातों का पिटारा फिर खोल लेना। जय अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर आ चुका है। तुम लोगों ने सारी तैयारी कर ली है ना? नहीं तो जल्दी से कर लो। शादी कितने जल्दी से हम लोग को बुलाया यार। सॉरी बोलूंगा, इतना सब कुछ जल्दी में हुआ कि बताने का टाइम नहीं मिला। चलो भाभी से मिलाता हूँ। मालविका देखो तुमसे कौन मिलना है। Hi. ये सारे के सारे मेरे दोस्त हैं। नमस्ते। हाय। हाय। ये है तुम्हारी प्यारी सी भाभी और हमारी प्यारी धर्मपत्नी। और एक बात बताऊं, मालविका बहुत अच्छा खाना बनाती है, इसलिए सबको मालविका के हाथ का खाना खा के जाना होगा। आइसक्रीम मेरे लिए? हाँ। मालविका क्या कर रही हो? मालविका क्या मजाक है? इतना नहीं खींचना मालविका। मालविका दरअसल मालविका को आइसक्रीम का बहुत शौक है। वो जब भी आइसक्रीम देखती है ना तो बिल्कुल बच्चों जैसे बिहेव करने लगती है। बड़ी मासूम है मालविका। मालविका आइसक्रीम बाद में खा लेना, पहले सबसे मिल। मालविका सुनो ना। जय, कोई बात नहीं भाई, हम बाद में आते हैं, ये भाभी जी के लिए। थैंक्स यार, थैंक यू सो मच। ओके चल बाय। बाय बाय। तुम चिंता मत करो, मैं बात करती हूँ उससे। जी माँ। मालविका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सब क्या चल रहा था? देखो मालविका, मैंने बाहर गेस्ट के सामने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से तुम बिहेव कर रही थी, हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है बेटा? मालविका,
मालविका, बेटा मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ तो जवाब दो मालविका। मालविका नहीं, पहचाना नहीं मुझे। बंद करो, बंद करो अपना ये नाटक, तुम मुझे डरा नहीं सकती। कैसे नहीं पहचाना मुझे? मालविका नहीं, चुटकी। नहीं, ये नहीं हो सकता। जरूर मालविका को किसी ने पुरानी बातों के बारे में बता दिया होगा, तभी वो मुझे डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर उसे सच का पता चल गया तो, हे भगवान, कौन है? कौन रो रहा है वहां? हाँ? किसकी रोने की आवाज आ रही?
जय, तुम्हारी बीवी मालविका कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही? अभी तो यहीं थी काकी, शायद अपने कमरे में होगी। मालविका, मालविका बताओ कौन हो तुम? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं जानती हूं तुम मालविका नहीं हो। तुम्हारे अंदर जरूर कोई बुरी आत्मा का साया है। बताओ कौन हो तुम? मालविका, मैं तुमसे बात कर रही हूं, बताओ। ये तो बहू के कमरे से आवाज आ रही है। मालविका, 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 काकी, काकी, मालविका का, मालविका। नहीं चुटकी, नहीं, प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो प्लीज। चुटकी, प्लीज। मालविका, 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 क्या हुआ मालविका? मालविका, मुझे जाने दे। मालविका, मालविका, क्या हुआ मालविका? जय, वो क्या हुआ? चुटकी, चुटकी, वो हमें अलग करना चाहती है। कहाँ है चुटकी? हाँ, कोई नहीं होगा। तुम्हारे साथ नहीं जीना चाहती। रिलैक्स, रिलैक्स मालविका। बाबूजी, चुटकी के साथ क्या हुआ था? बोलिए बाबूजी, चुटकी के साथ क्या हुआ था? बाबूजी, बाबूजी आपको बोलना होगा, प्लीज बाबूजी बताइए चुटकी के साथ हुआ क्या था? तुझे चुटकी आज भी याद? जी बाबूजी, मुझे चुटकी याद है, और मुझे ये भी याद है कि बचपन में आपने मेरी और चुटकी की शादी करवाई थी। हाँ, तब तू 9 साल का था और चुटकी 8 साल की थी। शादी में चुटकी के माता पिता ने हमें अपनी सारी जमा पूंजी दे दी थी, और हमने भी उनसे वादा किया था कि चुटकी जब 18 साल की हो जाएगी तब गौना करा के हम उसे अपने घर ले आएंगे। जी बाबूजी, मुझे सब अच्छी तरह से याद है, लेकिन कुछ समय बाद आपने आके मुझसे कहा था कि चुटकी के माँ बाप ने गौना करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उन्हें हमसे भी ज्यादा कोई अमीर खानदान का लड़का मिल गया है। यही कहा था ना बाबूजी आपने? याद है ना आपको बाबूजी? बाबूजी आप मुझसे कुछ छुपा रहे? प्लीज बाबूजी, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं बाबूजी, प्लीज बोलिए बाबूजी,
आपको पता है ना, इतनी सारी मौतें हो रही हैं इस घर में और मालविका की जान खतरे में। बाबूजी प्लीज बताइए, प्लीज बोलिए बाबूजी प्लीज। हाँ बेटा, मैंने तुमसे झूठ कहा था। झूठ कहा था बाबूजी? पर क्यों बाबूजी, क्यों झूठ कहा था आपने? दरअसल बेटा, तेरी शादी के एक साल बाद मुझे शहर में एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई और तभी तेरी माँ ने मुझसे कहा कि सुनो जी, वो मैं कह रही थी कि अब हम शहर में रहने वाले हैं, अच्छे पैसे भी कमाएंगे, तो फिर ये छुटकी जैसी गरीब लड़की को अपनी बहू बनाकर क्यों रखें? एक मिनट जया, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन हम वो छुटकी के माँ बाप से पीछा कैसे छुड़ाएंगे? भाभी जी, वो तो सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। वैसे भी उन लोगों ने इस रिश्ते के लिए मुझे कुछ खास नहीं दिया। क्या है, बोल दूंगी कि मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ चले गए? फिर किसका गौना और कैसा गौना? और फिर हम रातों रात किसी को खबर किए बगैर शहर आ गए। फिर क्या हुआ बाबूजी? और भी कुछ बताना बाकी है? सुनीता ने हमें बताया, हमारे शहर आने के एक साल बाद छुटकी और उसके माता पिता को गांव वालों ने बहुत ताने मारे, बड़ी बेइज्जती की उन लोगों की। अब छुटकी को बहू बनाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था क्योंकि उसके पिता के पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। फिर क्या हुआ बाबूजी? एक दिन उसके माता पिता ने खुद को और छुटकी को और छुटकी को जलाकर मार डाला बेटा। आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ कहा बाबूजी। अब तक मुझे लगता था कि मैंने बाल विवाह करके बहुत बड़ा अपराध किया, लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी बाबूजी कि छुटकी के परिवार वालों ने मुझे इस अपराध से बचाया और एक जिंदगी को बर्बाद होने से बचाया बाबूजी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपके लालच ने मुझसे ही अपराध करवाया है बाबूजी और एक हंसते खेलते परिवार की जान ले ली। मुझे खुद पे शर्म आ रही है बाबूजी। मुझे अपनी गलती का एहसास। अब एहसास करके क्या फायदा बाबूजी? क्या फायदा अब एहसास करके? बहुत देर हो चुकी है। अब मुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है बाबूजी। लेकिन अब एक बात तय है बाबूजी, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। मैं कल सुबह ही मालविका को लेकर यहां से जा रहा हूं हमेशा के लिए बाबूजी। आपके साथ नहीं रहूंगा मैं, क्योंकि आपके एक झूठ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया बाबूजी, सब कुछ बर्बाद कर दिया।
कौन है वहां? तो जय की शादी में छुटकी के माता पिता ने हमें दी थी, पर इस रंग यहां कैसे? मुझे माफ कर दो। देखो देखो मैं अपनी गलती मानता हूं, एक बार मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे चुटकी, माफ कर दो। बाबूजी की आवाज, मालविका कहां गई? बाबूजी, 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 क्या हुआ आपको? बाबूजी, 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 मालविका कहाँ है? मुझे मुझे मालविका को बचाना होगा। मालविका, 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 मालविका कहाँ हो तुम? मालविका, मालविका, मालविका कहाँ तुम? जय, मैं यहाँ हूँ। छुटकी प्लीज, प्लीज बता दो मालविका कहाँ है। छुटकी प्लीज, छुटकी प्लीज, हमें माफ कर दो छुटकी। छुटकी, मैंने और मालविका ने कुछ नहीं किया। छुटकी प्लीज, प्लीज बता दो मालविका कहाँ है, प्लीज। जय, जय मैं यहाँ हूँ। चलो ना छुपन छुपाई खेलते हैं बचपन की तरह। अगर तुम्हें मालविका चाहिए तो इसे पूरा करो,
और फिर मुझे ढूंढो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। बोलो बोलो जय। सौ में लगा धागा, चोर निकल के भागा। अब पकड़ो मुझे। चुटकी मालविका, मालविका मालविका चुटकी प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज चुटकी प्लीज मुझे बता दो मालविका कहाँ है। आई प्रॉमिस मैं मालविका को यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर लेकर चला जाऊंगा। देखो चुटकी, मुझे पता है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मुझे लगता था कि तुम्हारे परिवार वालों ने मुझसे नाता तोड़ा है, मुझसे झूठ बोला गया था। चुटकी मुझे आज ही सच्चाई के बारे में पता चली। काश मैं वो सब कुछ बदल सकता। तुम कुछ नहीं बदल सकते जय, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। मेरी बचपन में ही शादी हुई और मौत भी। ये खेल तुमने शुरू किया था जय, और तुम ही इसे खत्म करोगे। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी जय। छुटकी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मर चुकी हो और मेरी शादी हो चुकी है। मेरी बीवी है मालविका। तुम्हें मालविका चाहिए ना, वो रही। जय मर चुके हो जय, और अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।